गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय का एसटी मामले को लेकर रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिलाई विधानसभा के स्टॉन में हाटी कानून को लागू कराने के लिए 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठे 24 युवाओं को केंद्रीय हाटी समिति ने जूस पिलाकर अनशन छुड़वाया, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हाटी अधिनियम लागू न करने को लेकर इलाके में प्रदेश सरकार के प्रति लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इलाके के लोगों का ये आरोप है कि सरकार जानबूझकर मामले से टलने की कोशिश कर रही है और प्रदेश में भारतीय अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र का युवा एसटी से मिलने वाले लाभ से लगातार वंचित रह रहा है। 24 घंटे का अनशन शुरू किया गया था, आज 2 बजे अनशन खत्म किया गया। आज उस अनशन के लिए क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। उन्होंने युवाओं को समर्थन देने के लिए लगभग 12 बजे के करीब काफी मातृशक्ति और हमारी क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए, उन्होंने युवाओं को समर्थन दिया। यहाँ पे संबोधन हुआ केंद्रीय हाटी समिति के आदरणीय कुंदन शास्त्री जी और ऐसे प्रमुख लोगों ने जो 24 घंटे पे अनशन पे 24 युवा बैठे थे, ऐसे 24 युवाओं को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म किया। उसके बाद अनशन खत्म होने के बाद स्टोन शहर में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। सब लोगों का एक ही आह्वान है कि हिमाचल सरकार जल्द से जल्द हाटी अधिनियम को तुरंत लागू करें और जो 24 युवा आज धरने पर जो 24 घंटे के धरने पर बैठे थे और जिन्होंने आज आश्वासन अनशन तोड़ा उन सब की एक ही डिमांड है, अगर हिमाचल सरकार ने एक महीने के अंदर इसको तुरंत लागू नहीं किया तो आने वाले वक्त में हिमाचल सरकार के खिलाफ हाटी समुदाय का युवा सड़कों पे उतरेगा, उसकी जिम्मेवार हिमाचल सरकार होगी। हाटी समुदाय से जुड़े लोगों ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अगले एक महीने के भीतर हाटी अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।